আসসালাম আলাইকুম, নমস্কার, জয় হিন্দ। নিয়েছ বেটা, বলো নাম। রেহানা বেগম। রেহানা, আপকা ভাই? শাহনবাজ। শাহনবাজ, রেহানা ফিরে তুম বলো, ক্যা প্রবলেম হ্যায়? প্রবলেম ইয়ে হ্যায় কি মেরে 16-17 সাল হো গয়ে শাদি কো। 17 সাল। তো 16 সাল তক তো আচ্ছা চলা, ফির ডেঢ় এক সাল সে फिर मतलब एक दूसरी जगह एक औरत मिल गई, उसकी फैमिली मिल गई है। ये अपनी फैमिली छोड़ के वहाँ पे रहते, वहीं खाते, वहीं पीते, वहीं सोते, वहीं अब करने लगे। कुछ दिन तो सही थे, घर में सोते थे, रहते थे, अब वो भी छोड़ के वहाँ पे रहने लगे। अब मुझे हमेशा मारते, जब मैं कुछ बोलूँ तो मुझे मारते पीटते। तीन बच्चे, एक लड़की 12 साल की है, एक 10 साल का लड़का, एक 10 महीने का बच्चा। बोलो शाहनवाज़, आप बोलो। अभी आप जैसे बोल रही, एक साल से मेरा नहीं चालू हुआ, ठीक है। एक्चुअली मैं 7 साल में गर्भ में था, मैं 2 साल में एक बार आता था, कभी साल भर में ऐसा। उनका मुंह नहीं दिखा है, बच्चा बच्चे को दे दो ना। पहले फर्स्ट टाइम मैं दोस्तों के बीच में बैठता था, तो वहाँ पहुंच गया दोस्तों के बीच में, वहाँ बेइज्जत करके मेरे को लेकर आ रहे, मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक मेरे भाई की वाइफ है, उसका मेरा पहले अफेयर था, कभी हम लोग शादी के पहले बाद हम लोग का कुछ नहीं था, ठीक है। उसको उनको बोलने दे, फिर तेरे को बोलने, तेरे को बोलने देंगे, ठीक है, मौका मिलेगा सबको बोलने का। उसका हम लोग का अफेयर चला, सब खत्म हो गया। उसकी बाद में उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दिया, तो मेरे छोटे भाई से मैरिज कर ली। तो छोटे भाई से मैरिज कर ली, छोटे भाई मतलब रिश्ते रेडियो में, रिश्ते में। तो उसकी जो बिल्डिंग है, गोलमाले नहीं, मैं तो गोलमाले में तो क्या सोचे, चलो इसकी वाइफ का इंतकाल हो चुका था, भाई पहले से शादीशुदा थी, इनका भाई दूसरा हस्बैंड है उसका, और मेरे भाई की पहले वाइफ का इंतकाल हो गया था, वो हिसाब से दोनों का मतलब हो गया। तो हम लोग दोनों, तो हम लोग वहाँ से दोस्तों बैठते थे, तो इसने उससे मेरे को बदनाम करी, 4 के बीच में आके उल्टा सीधा लाइफ में गाली दे गए, मतलब छोटी के मैंने वहाँ उल्टा पहनना छोड़ डाला। फिर मेरे दोस्त तारंग ऑफिस आ रहे थे राष्ट्रपति के, साजिद खान है, वहाँ उठना बैठना था मेरा, वहाँ भी इसने कोई दिन भर के वहाँ रहते, दोस्तों में रहते, ये करके एक्चुअली मैं पहले से मैं तो गोंडी में रहता हूँ, गल्लू भाई गोंडी में। हाँ, गोंडी में, ये ससुराल गोंडी की है उसकी। अच्छा, तो वहाँ भी मजीद भाई की लड़की है, मेरे घर के बाजू में। फिर तो ये वहाँ भी एक्शन लेने लगी, मैंने वहाँ घुटना पड़ना छोड़ा था। फिर मेरे एक दोस्त है वहाँ पे, नहीं रहने ऐसा। अच्छा, अभी वो छोड़िए, एक साल से एक औरत के घर में आप जाके सोते हैं? नहीं तो कौन कोई बता दे, वहाँ सोता हूँ मैं। अब ये तो कुछ भी बोलो, सोते नहीं है, मैं आपके पास आया था 4 लोग को लेके बात करने। तो हाँ, बोल बिंदा। तो आपने बोला कि ठीक है, मैं खाना भी खाऊंगा, सब रहूंगा, आप लोगों ने जिम्मेदारी ली थी मुमानी मामू ने। तो ये आदमी 3-4 दिन घर में था, अभी उसी घर में रहता है, खाता है, पीता है, कपड़े भी वहाँ पहनता है, तो क्यों ऐसा? हाँ, तो ठीक है, मेरी बात सुन लो पहले। जब ये लोग मेरे घर में सेटलमेंट करने आए, ठीक है, ये लोग सेटलमेंट करने आए, मैंने एक्चुअली 4 बार झगड़ा हुआ, सब आए समझा, मैंने सबकी बार एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक से पुलिस ने चौकी में मेरा केस भी करी, वहां मार भी खाया, उसके बाद भी मेरे आसपास के जो लोग हैं वो बोले ठीक है बेटा तू खाना खा ले, ये बंदी एक बार लाभ नहीं बोली, तुम खाना खा लो। मैं 4 दिन घर से बाहर था, भूखा पैसा, एक बार कहीं फोन नहीं करी, खाना खाए कि नहीं खाए तुम, ठीक है। ये लोग सेटलमेंट करा, मैंने क्या बोला कि ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मेरे घर का पेपर मेरी कमाई का है, तो मेरे घर का पेपर मेरे घर के अंदर रहना चाहिए। इसलिए मैं पहले पेपर लेकर मेरी मम्मी क्या रख दिया था, ठीक है, घर के पेपर मैंने घर से लिया था, तो मैंने घर का पेपर अम्मी क्या रख दिया था। फिर इसका मैं थोड़ा मुमारी भी, मतलब काम कर, इसको भरोसा, इसका पेपर तो इसको दे दे। ये दूसरे दिन गई, पेपर अम्मी से लेके आ गई। फिर इसने क्या करी, पेपर लेकर रख दिया, अपनी बहनों में क्या रखी, अपनी माँ क्या, मुझे पता नहीं है। ये लोग अगर सेटलमेंट करा, ये लोग सबके सामने की बात है। मैंने क्या बोला कि ठीक है भाई, मैं अलहमदुल्ला अपने घर में रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है ना। ये लोगों ने क्या बोला, ठीक है तुम वहाँ पर उठना बैठना कम कर दे। मैं ठीक है भाई, कोई चीज एक साथ में नहीं छूटती है, क्योंकि उनका मेरे को पता एहसान है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे वक्त से तो जब भी 1,50,000 मेरे को दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला, ठीक है एक बार तो नहीं छूटा, लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं कम कर दूंगा हर चीज को। 2 दिन मैंने सॉल्व, दूसरे दिन मैंने इसको क्या बोला, रहना ऐसा के पूरे मोहल्ले अपनी बेइज्जती हो गई है, तो अपने घर बेचते हैं, देखते हैं मुमरा साइड में घर ले लेंगे, और जो पैसा बचेगा उसे फिर दुकान पर लेके अब्बल लोगों शिफ्ट कर देंगे, ये घर भी आकर भाड़े में डाल के। तो इसने मुझे पहले क्या बोला, ठीक है मैंने ठीक है, तो फिर मैं इससे गया, बाद में कॉलेज बात की, क्या मैंने दोस्त से बात किया मुमरा में, बोला ठीक है कि तू घर देख ले। फिर जब मैं शाम को वापस घर पे आया, तो क्या बोलती, मुझे घर नहीं बेचना है। मैंने शायद कोई बात ही नहीं किया, मैंने ठीक है तुझे नहीं बेचना, तेरी चीज देना मत बेच, ठीक है। मैं बोला अच्छा, घर का पेपर तो लिखा, किधर पेपर? तो क्या बोलती, पेपर कहीं भी सही सलामत है। मतलब कहाँ है? तो बोलती है बताया नहीं कहाँ पे, ये नहीं बताया। जब इन लोग आए तो मैंने क्या बोला, मेरे घर का पेपर मेरे घर में 2 दिन में लाके दे देना। ये लोग सब सामने हाँ बोल के गए, नहीं नहीं
लल्ला गलत बात करना नहीं मेरे साथ, हकीमान की बात करना भाई, हकीमान की नहीं, तू सही नहीं है। कौन दूसरे घर में खाना खाता है, लड़की पेपर लाके रखेगी, तो कल को बेचेगा तो बच्चे लेके रोड पे जाएंगी, जवान लड़की उसी कोर्ट में सामने बात भी क्यों, तू अच्छा होएगा तो सब कुछ करेगी। 6 महीना पहले रह के दिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको क्या चाहिए, घर मेरी कमाई का है, घर मेरी कमाई का, तो बच्चे भी कह रहे हैं ना, तो मैं कहा बच्चे भी कह रहे हैं ना, ठीक है। एक मिनट, दूसरे घर में क्यों खाता पीता, मैं कौन समझाए, कौन खाता पीता, इसने पेपर की सुन मेरी बात, पेपर नहीं आया इसने पलटी मार दिया, कौन, अरे ठीक है, अब ये क्या, अब आप एक बार बताओ, वो औरत सामने है, सामने घर है इसका, आदमी बच्चे छोड़ के वहाँ खाता पीता है, कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी ये बताओ मेरे को तुम, और वो औरत उम्रदार है, तूने पैसा लिया दिया, लेन देन अपनी जगह होता है, इसका ये बच्चे मतलब बच्चे छोड़ के उनके एहसान करेगा, रिलेटिव है कितना भी हो, जिसका आता घर खराब होता है ना उनका वो पहले छोड़ता है उनके, और उसके लड़के लोग ने घर में घुस के इसको मारे, कोई नहीं घर में घुस के मारे, उसके लड़के लोग ने मारे, पूरा मोहल्ला हवा है, आप चलते हो सर, कोई भी घर में घुस के, और क्या बोलती है, ए रंडी मैंने शादी करी निकाह करी तू क्या कर लेगी मेरा, इसके साथ में जो है वो बोलती है, साथ में वहाँ बता है गली के अंदर, उसके सामने भी बोली उसने, क्या करी निकाह, इसको क्या बोलती तू, फोन आगे नंबर दो, अरे मोहल्ले वाले तो सच बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे, बुला ना भाई मेरे सामने, अरे जब आप क्या बोला, हाँ ठीक है मैं सही नहीं हूँ, खत्म, जब मेरे को बहस नहीं करना चाहता, ठीक है ना, मैं आपन की बात सुनो, ठीक है आपका मेरा क्या था वो खत्म हो गया, ठीक है ना, आपके जवान बच्चे खड़े आपके पीछे, ये बंदी आएगी एक बार दो बार तीन बार, उन्होंने कभी लफ्ज़ अल्फाज़ नहीं उठाए, उन्होंने उनके घर में बच्चों का नाम लेके आया, दोबारा बात नहीं है, सॉरी समझ में आया, ठीक है, तो वो घड़ी घड़ी जाके इनकी माँ को ये ऊपर दरवाजे में उल्टा से गाली लैंग्वेज में धीरे धीरे, तो उनका लड़का हाफिजा के गाली रखे हैं, वो लास्ट में मारा नहीं उसने, इसको मैं वहां से मारती रह गया, जो बात है घर में कर, बाहर तमाशा, एक बात बता, तो कैसा आदमी होगा कि वो जो औरत है जो तेरी रखेल है उसके बच्चे और वो मिलके सबूत क्या मारे, हाफिज कुरान है, उसको इतनी अकल नहीं है कि इसके वजह से उसकी माँ बदनाम हो रही है, कल से मतलब आना नहीं, उसकी माँ उसका आदमी फिर भी इसको बिठाते, आदमी भी है सब बिठाते सो घर पे, ये खाना नहीं खिलाएगी तो बोलते खाना था नहा दो, रिक्शा बेच के दिया सब, उसको पैसा दिया सब कुछ करा, अब घर भी बेच रहा है इसको आड़े में लेके, अरे ठीक है ना, हाँ तो क्यों रह रहा हूँ घर में, अपनी फैमिली देखना, सुन मेरी बात लल्ला, मैं उनके घर में कभी रहने नहीं गया हूँ, मेरा क्या था आप, मैं सुबह आता गाड़ी में 4 बजे, ठीक है मैं गाड़ी लेके आता हूँ 9-10 बजे में गाड़ी, और ये क्या बोलता है मैंने अकेले में तलाक दे दिया, एक हम लोग के सामने बोला, आज मैं भी बोलूंगा बात भी बोलूंगा, बोलो मैडम, तू था भाई शुरुआत में, एक मिनट लल्ला चुप हो जा, तलाक की बात आ गई ना, चुप हो जा, तूने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, कितनी बार तलाक बोला, तीन बार तलाक बोला ना, लगा रहे फोन नंबर का फोन, चलो अंदर जाएगा तो भाई, इतना बड़ा शान है, अरे उसको पूछा आपने डायरेक्ट दिया होगा, उसको पूछा उसको मैंने 4 बार समझाया होगा, मुझे कहना अपनी घर की इज्जत अपने हाथ में है, तू इतना बड़ा शान है, कोई कुछ बोलती है, इतना बड़ा शान है तू, इतना बड़ा शान है तू, दूसरे की मतलब अपनी औरत को कुछ ना सबूत है, दूसरे से पिटवाएगा, तीन बार तलाक बोल दिया, पिटवाने की चुप, वो बंद कर दिया, बैठ के बात कर, उसके बाद चौकी जाएगा तू, ट्रिपल तलाक बोला ना, सीधा चौकी जाएगा तू, ये समझता है मार खाने बढ़ाया था, मार खाने नहीं, तुझे अभी ना सीधा जेल जाएगा, तू 3 लाख बोला कैसे है, तेरे बाप का अच्छा था 3 लाख बोलने के लिए, मालूम है ना हिंदुस्तान में बैंड किए, बैंड किया हूँ मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे इस्लाम तरीके से चल रहा, अरे इस्लामी तरीके से, तो तेरे को इस्लाम ने बोला है कि किसी के भी साथ जाके सो जा, इसको कोई सबूत बोला कि मैं सोया हूँ साथ में, सबूत देने बोलो ना, इसको सबूत देने बोलो ना, इस्लाम का नाम खराब नहीं करना, आप इसको बोलो सबूत देने भी, मैं सोया हूँ साथ में उसके, तो बोलो ना इसको, मेरे को सबूत देने, बल्कि दिन रात ये साथ में घूमती थी हम लोग के, पहले साथ में हर जगह आया हम लोग, हर सबका हर किसी का, अरे जहाँ तेरा घर खराब हो रहा हो घर छोड़ दे रहा, तू क्यों बैठ रहा हो घर में, अरे आपा जिस घर से अपना घर खराब हो रहा हो घर पे आना ना क्या के लिए, बोलता छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए, उसको घर खराब हो रहा उसका, पहले बाप भाई को अकल है कि नहीं, तेरे वजह से मैं बदनाम हो रहा हूँ, बोले वहाँ भी नाम घर खराब हो रहा था, तो उन लोगों को पहले तो कहना चाहिए, आवाज कम करो, आवाज कम करो, हेलो कांडा पुलिस स्टेशन, शबनम शेख बोल रही हूँ,
जरा गाड़ी पाठा ना, एक बंदा है उसने अभी ट्रिपल तलाक बोला अपनी बीवी को, ट्रिपल तलाक, हाँ ट्रिपल तलाक बोला है, हाँ तो जरा गाड़ी पाठवा ना, एड्रेस लिख गया, हरिनिवास बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर 2 38th रोड 30, हाँ 38th रोड, अमरसंस वाला लेन है, हेलो अमरसंस लेन, अमरसंस वाला लेन है, गेटी के अपोजिट वाली गली है ना, अमरसंस वाला गली, बैंड्रा पन्नास, लॉकर पाठ, ग्राउंड फ्लोर 2, हेल्थ केयर फाउंडेशन, शब्दम शेख, ओळख लगा ना, इकडे आमच्या फाउंडेशनला पाठवायचं आहे, लवकर पाठवा, बाहेर बिठा के रखो, अली अली और अफजल इधर, हाँ ये लाइफ को ऑफ करो, दोस्तों ये आदमी अभी जाएगा जेल, और लाइफ जेल जाते हुए मैं आपको ये इसका वीडियो भी दिखाऊंगी, क्योंकि ट्रिपल तलाक बैंड है हिंदुस्तान में, किसी भी औरत के साथ में गलत नहीं हो सकता, हाँ और क्या नाम है इसका, बुबू अली एंड अफजल, ये आदमी उधर सोफे से उठना नहीं चाहिए जब तक पुलिस वैन आती नहीं है, ठीक है बैठिए वहां पे, आप सोफे पे बैठिए दोस्तों, मैं आपको इस केस में आगे भी ये भी दिखा दो, नहीं मुस्लिम औरतें सब धोखेबाज है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं मुस्लिम औरतें उर्दू पेपर में 3 तलाक के ऊपर, ये भी दिखाओ ना फिर आप, क्या बोल रही है, देखिए ना आप पढ़िए ना, क्या बोल रही है आप, पढ़ लीजिए, ये लेके घूम रहे तू, मैं घूम लो आप, मुझे ये बात होगी यहाँ पे, ठीक है फाड़ो कोई बात नहीं, ये लेके घूम रहा है, घूमने की बात नहीं आप, ये लेके घूम रहा है, मैं इसके बाद सुनिए आप, तू साले ये लेके घूम रहा है आप, मैं उसको फिर भी 15 का घर मैंने उसको दे डाला, ये लेके घूम रहा है, ये मैंने अभी पुलिस वालों को दूंगी तो क्या तू लेके घूम रहा है, औरत को तलाक देके औरत को विपरीत मारता है, तू साला दूसरी औरत के साथ रिलेशन रखता है, और ऊपर से तू क्यों रो रहा है बेटा, होएगा उसको मजे, वो खुद घर में अम्मी चुप हो जाओ, अम्मी चुप हो जाओ, अब झगड़ा करो अबू से, जैसे घर में होते बच्चा मेरा चुप रहा, ये लड़ने वाली दिखती है, इससे पूछ कैमरा लो, इससे पूछ लो ना, मैं झूठ बोलूंगा बच्चा, तू झूठी बोलेगा, क्यों रो रहा हूँ मेरे, ये इसको चार पूछ के लाए, अच्छा ना लड़की जो है ना जो देखती है वो इसकी सपोर्ट में है, क्यों ये लड़का वहाँ रखता है, वो तेरी कौन है, उन लोग कर्जा जो देखो दिए तेरे साथ में, तो तेरे लड़का ही नहीं सकते, तुम क्यों तेरे खिला पिला सकते, तेरे औलाद को नहीं रख सकते, अरे हम लोग समझाए समझाया, इतनी सी बात बोलेंगे ना तो पहला वहाँ जाके बोलता है कि हम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हैं, मगर अभी इतना हो रहा, अभी तो नहीं नहीं सुना पापा, 500 का भाड़ा ले रहा हूँ मैं, शबनम पापा ऐसा है ये बोलता है ना, गारंटी से बस सुनिए, हम भी तुमसे कालो कालो जाते पिक्चर देख लो जाते हैं, ये सब सिखा के रह लाए, वही बात है यार, जान दे यार, दुनिया देखे ले, हमने भी देखा दुनिया यार, दुनिया से देखा है, क्या देख रहा है, फिर तू देखेगा, तू कुछ नहीं देख रहा, डंडा मरवा के तू देखे, हां हम भी लड़ते रहते हैं, हां अपन दुनिया का के अपन गोंडे का है, गोंडे सब लोग भी है, आवाज कम, नेक्स्ट भेजो, मार बेटे तुम, मार बेटे, चल चल तुम भी साथ चलो, मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।